एक फिल्म अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग देयर वाज अ फिल्म मेड ऑन इट ऑफ हिज ऑन दिस बुक एंड ही अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट लाइक द फिल्म सो आफ्टर दैट नन ऑफ हिज बुक्स हैव बीन अलाउड टू मेक इनटू फिल्म. तैयारी तो मतलब जो भी हमारे दिल में है, जो भी हमारे मन में है, उसके बारे में हम बात करेंगे. आप सब जानते हैं कि कंटेंट इज़ किंग. वैसे एटलीस्ट सब, पता नहीं सब जानते कि नहीं, पर आई थिंक अगर कोई भी वाइज होगा तो वो सब समझेगा कि अगर फिल्म्स या कोई भी मीडियम, टेलीविजन या फिल्म मीडियम कंसर्न्ड है, देन कंटेंट इज़ किंग. अगर अच्छी कंटेंट है तो फिल्म आसानी से चल भी सकती, लोगों को पसंद भी आती है. सो दिस इज़ अ गुड वे ऑफ प्रमोटिंग दैट. मैंने एक दो फिल्म्स किए हैं, आई थिंक तीन फिल्म्स किए हैं, जहाँ यू नो बुक्स हैव बीन इंस्पिरेशन. सावरिया बीइंग माय फर्स्ट फिल्म व्हिच वाज बेस्ड ऑन दस्तोवस्की'ज व्हाइट नाइट्स, और ऑब्वियसली आयशा. आई हैव ऑल्सो बॉट बैटल फॉर बिटोरा. तो आई हैव एंड ऑब्वियसली एवरीबडी नोज आई लव रीडिंग. And some of my favorite films have been based on books. Godfather, Gone with the Wind. Don't think you have to make a short film about yesterday of the event, the social cause. Fight for Hunger you're talking about? Yeah. Okay. The short film and make an ad and play in the Jio Mart Film Festival. ऐसा कोई ऐड बनाना चाहिए जैसे अमिताभ जी ने बनाया था एक दिन जिंदगी के लिए. ये आपने कल भी पूछा था मुझे, सेम क्वेश्चन कल पूछा था. ये मैंने कहा था कि मैं प्रसून सर को फ़ोन करके पूछती हूँ. हाँ तो अगर मुझे लगा कि, और हमारे पास पैसे हैं, वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट एंड रेज मनी फॉर इट, वी हैव द करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी फॉर इट, वाई नॉट. एवरी ऑल पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी फॉर गुड कॉज. That's a very difficult question. It's like asking me who my favorite filmmaker is. My favorite writer. How can I answer this question, yeah? I think Milan Kundera. उन्होंने एक फिल्म अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग, देयर वाज अ फिल्म मेड ऑन इट ऑफ हिज ऑन दिस बुक एंड ही अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट लाइक द फिल्म सो आफ्टर दैट नन ऑफ हिज बुक्स हैव बीन अलाउड टू मेक इनटू फिल्म. दिस इज द स्टोरी दैट आई हैव रेड ऑनलाइन. आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बिकॉज वी ऑल नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम ऑनलाइन आर नॉट ऑलवेज ट्रू. सो ही इज अ वेरी गुड one of my favorite authors. Amongst the Indian authors, they're very, very good Indian authors also. I love Anuja Chauhan's work, and you know, she's written some fantastic books for young girls, contemporary books like Zoya Factor and Battle for Bitora and those pricey Thakur girls and stuff like that. So those are very cinematic books, and I'm looking forward to bringing Bitora onto screen eventually. ये लॉ है? Are you sure? Because I think आपको information बिल्कुल wrong मिली है. तो जब भी आपको correct information मिलेगी तब मैं ये answer करूँ. Okay, next question. Thank you. Thank you.